देखो ये जो सवाल है पांच नंबर का अपना, ये पहले वाले से ही मिलता जुलता है, सेम वही टेक्निक आपको देखो यहाँ पे 61 है, 62 है, 63 है, 64 है। सबसे छोटे वाला अगर मैं बाहर लूं तो क्या होगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 62 में से 61 चलेगा तो 1-4 रहेगा ना, 63 में से 61 चलेगा तो 2 रहेंगे, यहाँ हमें लिखने की 3 चले गए तो 3 रहेंगे। आप देखो यहाँ पे इसका योगफल करेंगे हम लोग, 4 + 1 = 5 और ये 16 + 5 इज हाउ मच, 21 + 4 = 64 है ना, 5 एक निकाल दो तो एक यहाँ गुना में आएगा ना, यस सर, ऐसा देखेंगे अपन अभी, आप हम सोचेंगे इसके बारे में। 4 raised to 60 ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1 निकाले बाहर, तो इसका गुणनफल देखो ये बराबर, अब पिछले वाले के जैसा ही है, अभी थोड़ा यहाँ पे 85 आ गया है ना, 85 का थोड़ा सा जम नहीं रहा, तो मैंने क्या किया कि आखिरी में 0 आता का ये सोचा, तो इसमें से 1-4 मैंने निकाले बाहर, तो अपना काम बन गया। अभी देखो 34 हो गया ना, यस सर, इन 10 34 इंटू 10 करेंगे तब भी 340 ही आएंगे ना, आएंगे ना। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 0 है, इनका ही हम 0 है कि नहीं, अब अगर आखिरी में 0 है तो 0 की क्या जांच है, जिस संख्या के इकाई अंक पर क्या है 0 है उस संख्या को 10 से पूर्णतः भाग जाएगा, तो अब यहाँ 3 से भाग जाएगा कि नहीं ये नहीं बोल सकते होंगे, 4 और 3 = 7 हो रहे हैं, 7 और 4 कितने होंगे, 13 होते हैं, नहीं 11 होते हैं ना, 7 और 4 = 11 होते हैं, तो 11 को 13 से भाग नहीं जाएगा, फिर अपन सिर्फ एक ही बात यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है, इसका मतलब इसका जो भी योगफल है सॉरी गुणनफल है उसको 100% 10 से डिवाइड होगा, तो आपका आंसर ये अपना वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे इस संख्या में जोड़ने पर जोड़ते जोड़ते 803642 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है मालूम है क्या, नहीं मालूम, हम लोग क्या करते हैं समझो वो x है तो हम लोग इसमें जोड़ने का मतलब यहाँ x जोड़ेंगे ना ऐसा, यस सर, और कैसे जोड़ते हैं हम लोग, ये इकाई अंक और ये इकाई अंक का एडिशन करते बराबर है, तो ये क्या होगा 803642 और 2 + x ऐसा होगा ना, ये जो भी होगा वो मतलब अभी क्या हुआ इकाई अंक आपका ये बन गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये छोटी सी छोटी संख्या इसमें जोड़ने पर हमें ये प्राप्त संख्या है, इस प्राप्त संख्या को क्या बोल रहे हो 11 की गुणज है, मतलब या तो ये 11 के मल्टीपल में भी है या फिर इसको 11 से डिवाइड भी हो सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं, 11 का गुणज मतलब आकाराचा पटित, आकाराचा पाढ्यात, हाँ तो आता आकाराचा पाढ्यात कधी माहित नाही, पण आपण आपल्या अपने पास 11 की जांच है ना, इस संख्या को 11 से डिवाइड होने के लिए जांच दी गई थी, वो आपको मालूम है कौन सी है, मालूम है क्या, एक नंबर के बाद एक नंबर आपको लिखने हैं, अभी पूरा एक ही नंबर 8 + 3 + 4 कितने हो रहे देखो, अब आपने 8 लिया था, अब ये 0, 3 और ये लेंगे 0 + 6 + 2 + x, अब देखो 6 + 2 कितना हुआ 8 + x, अब ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का फर्क क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11 है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 रख के देखेंगे, 8 + 1 कितना हुआ 9, अब 15 में से 9 गए तो ना तो 0 आएंगे ना ही 11 आएगा, तो ये है क्या आपका ऑप्शन, नहीं। अब मैं 8 की जगह पे ये 4 रखता हूँ, 8 + 4 12 हो गए, 15 में से 12 गए तो ना तो 0 आएंगे ना ही 11 आएंगे, ये भी आपका आंसर खत्म। अब मैं यहाँ रखता हूँ 7, 8 + 7 कितने आए, अब 15 में से 15 गए तो
जीरो आता है, इसका मतलब जब आप यहाँ पे इसमें ये एक्स की जगह पे सेवन रखोगे और उसका योगफल निकालोगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको हम लोग 11 की गुणज बोल सकते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर ये है। तीसरा 9 नंबर पे आप रख के देख लो, आपका आंसर नहीं आएगा, ये 17 हो गया, 15 माइनस 17 पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 7।